यहाँ से हमारा मांग है, देख लीजिए कोई अधिकारी जब आता है तो 6 बजे से 2 बजे ये बुकिंग ऑफिस होता है। अच्छा, यही बुकिंग ऑफिस है। हाँ, यही बुकिंग ऑफिस है। जब अधिकारी जब चल जाते हैं निरीक्षण करके तो बुकिंग ऑफिस बंद हो जाते हैं। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मानसी स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 3 के नीचे बुकिंग काउंटर खोला गया था, जिसका घोर निंदा मानसी प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख हीरालाल यादव ने किया। हीरालाल यादव ने कहा कि जब अधिकारी आते हैं तब बुकिंग काउंटर खुलता है, अधिकारी के चले जाने के बाद बुकिंग काउंटर बंद हो जाता है। साथ ही श्री यादव ने कहा कि मानसी स्टेशन की पश्चिम मटिहानी रेलवे ढाला के पास ओवरब्रिज की सख्त जरूरत है। इसके लिए हीरालाल यादव ने कई बार खगड़िया सांसद को लिखित आवेदन भी दिया है, जबकि ओवरब्रिज नहीं रहने से काफ़ी कठिनाई होती है और बराबर जाम लग जाता है। बीएनपी न्यूज के लिए खगड़िया से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। अब बताइए, हमारा माँ बहन, हमारा चाचा, हमारा भाई, कोई विकलांग आदमी रहेगा कि किस तरह से वह उस पर गाड़ी पकड़े जाएगा। इसीलिए जो गाड़ी सहरसा से आवे उनको एक नंबर में लगाया जाए, जो अपना लगता है कोई बात नहीं, जो कि जनता का कठिनाई नहीं हो जी। यही हमारा मांग है। और अब एमपी साहब आ रहे हैं, लेटर पिट भी लिखेंगे, डीएम साहब को भी लेटर देंगे, डीआरएम साहब को देंगे, बाय नेम डाक से रजिस्ट्री भी करेंगे। और अगर नहीं हमारा मांग पूर्ति होगा तो हम मानसी प्रखंड में अनाउंसमेंट कराकर रेल का चक्का जाम करेंगे, चूंकि हमारा मानसी जंक्शन तब से देश आजाद हुआ था, ये मानसी जंक्शन हमारा पहले से है, इसीलिए मॉडल जंक्शन का दर्जा हमने एमपी साहब को कहे थे। एमपी साहब ने डीआरएम साहब के हमारे सामने में मानसी जंक्शन में डीआरएम साहब से बात किया, मगर अभी तक कोई तरह का उनका जवाब नहीं मिला है। इसीलिए इनका दोबारा फिर हम लेटर लिखेंगे और एमपी साहब को भी कहेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, यहाँ पार्किंग बन जाएगा, ये गंदगी का आभार नहीं रहेगा। देख लीजिए कितना गंदगी है, लोग का हैजा फैल जाएगा, बीमारी फैलेगा, एक हवा आ जाएगा मार्केट में। ये तो सर रेलवे के जगह है और इस जगह पे एक पार्किंग बनना चाहिए। यहाँ पे देखा जा रहा है कि बिल्कुल गंदगी का भंडार है और देखा ही पड़ रहा है कि अवैध रूप से यहाँ पर सब रेलवे की जगह पर कब्जा किए हुए हैं। और नेताजी, यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है आवागमन की। जो आवागमन यहाँ तक पहुँचती है, बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, जो कि ये जंक्शन रहने के कारण यहाँ पर 2400 घंटा ट्रेन का आवागमन होते रहता है, जहाँ पर कि ओवर ब्रिज होना चाहिए, ओवर ब्रिज नहीं रहने के कारण यहाँ जाम की एक समस्या लग जाती है। और दूसरा, अगर कोई किसी इमरजेंसी है तो उसको यानी कि रेलवे को क्रॉसिंग करने में कम से कम आधा घंटा टाइम लग जाता है, जो कि नहीं लगना चाहिए। अगर इस तरह कोई बीमारी रहेगा तो क्या उसका स्थिति हो सकता है। एक जबकि यहाँ पर एक रेलवे ओवर ब्रिज की सख्त जरूरत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। इसके बारे में यही हमारा कहना है कि कोरोना काल में जी 2 साल से हमारे संसद लोकप्रिय, हमारे संसद है खगड़िया के विकास के लिए, हमारे संसद सब पर आते हैं, प्रधानमंत्री हो कि कोई मंत्री हो, उनका फंड लेके खगड़िया हम विकास करते हैं। आप देखिए 65 करोड़ रुपये